बैठे थे और यहाँ पे धरना सब साहब लोग उठ चुके हैं। मैं चाहूंगा दिखा दीजिए, यहाँ पे धरना पे जो धरना करता है दुकानदार थे वो लोग अब उठ चुके हैं। यानी यहाँ पे SDO आए थे, SDPO आए थे और पुलिस बल यानी CO BDO सिस्टम के तमाम लोग आए थे। और जो चीज थी, आइए जानते हैं किस वजह से क्यों हटाया गया, मूल वजह के जाने की कोशिश कर जाओ। SDM साहब से पहले बात रहे तो वहाँ बोले की ना यहाँ के ना हटी, वहाँ के बोलो तो नहीं। अभी जैसे मीटिंग में बाद में वहाँ के मीटिंग कैले बनी कोनो बात दिक्कत नहीं। सावन का पहले जब घटना भइल हटे तब ओकरा बाद से वहाँ कहते नहीं अभी हटी, तो ओकरा पहले काहे ना हटल हटे। अगर वो मीटिंग कैले बने रहुआ असेसमेंट करते नहीं तो, लेकिन वो टाइम में नहीं की बोला, अभी कहते नहीं कि एकरा के हटावे के बाद। राउ रजिस्ट्री बटे, राउ रमपति बटे, तो रजिस्ट्री तो पहले उन्हें बटे। घटना पर प्रशासन बात नहीं करना चाहते कि कहाँ पे जो चूक हुआ है, किसके वजह से हुआ है, क्यों हुआ है, उस पर बात नहीं करना है। अब जो घटना हो गई, अब हमको भीड़ का असेसमेंट करना है, तो भीड़ का असेसमेंट आपको नहीं पता है कि यहाँ पे कितने लोग आते हैं। यानी आप कहना चाहते हैं कहीं ना कहीं पुलिस जिम्मेवारी आपके ऊपर गिराई जा रही है? नहीं, वो मतलब क्या बोलते हैं कि कद्दू को उसमें चाकू हर हालत में जो यहाँ के व्यवसायी लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वही कट रहे हैं। भीड़ का हुआ घटना हुआ, उसका जिम्मेदारी हम ही लोगों पर हुआ। हमारा दुकान बंद था, हमको हटाने का बोल दिया गया, लेकिन जो कारण है जिसके वजह से हुआ है उसको असेसमेंट करना चाहिए। तो वो उसको क्या बोलते हैं, बोल रहे हैं कि भीड़ का असेसमेंट हमको करना है। तो भीड़ का असेसमेंट करना है, लेकिन यहाँ पे जो स्थिति है, एक चीज बताए, धरना पे आप लोग बैठे, वीडियो साहब आए, स्टूडियो है, तो आप लोग उठ गए, यानी कि आप लोग मान गए? नहीं नहीं, कह रहे कि आपका जो खतियानी जमीन नहीं है, आपको यहाँ से हटना ही होगा। हटना ही होगा, तब इसका क्या जवाब? यानी ये सरकारी जमीन है, गवर्नमेंट की है, तो इसे आप लोग को हटना होगा? वो कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। तो आप लोग कहाँ शिफ्ट किया जा रहा है? वो बोल रहे हैं कि चीफ साहब बोले।